कैसे पता लगा इंसान सच बोल रहा है या झूठ? क्यों इंसान की मौत बिना तकलीफ के हो जाएगी अगर वह उस स्थान पर खड़ा हो जहाँ पर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो? एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक व्यक्ति को मार 17 साल बाद किया कबूल क्यों? मेक्सिको की एक ऐसी जगह जिसे जोना डेल साइलेंसियो यानी जोन ऑफ साइलेंस कहा जा रहा है क्यों? क्यों लगी बाइक बहने नदी के पानी की तरह? अगर आप सोचते हैं कि दुनिया में पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन देते हैं तो आप गलत हैं। एक ऐसी चीज जो देती है 50% से भी ज्यादा ऑक्सीजन, जाने आगे वीडियो में। दुनिया की एक ऐसी चाय पत्ती जिसके 1 किलोग्राम की कीमत 8.28 करोड़ रुपए। पैदल चलने के ऐसे अनोखे फायदे जो आपको कोई नहीं बताएगा और आपको कभी नहीं पता होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष। अगर आप इन सब बातों का उत्तर जानना चाहते हो तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। नंबर 1, साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उसके हाथ ज्यादा हिलते हैं, वहीं अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह अपने शरीर की कम से कम गतिविधि करता है। नंबर 2, अगर दुनिया में कभी न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो जो इंसान ब्लास्ट वाली जगह के करीब होगा उसकी बिना दर्द महसूस किए ही मौत हो जाएगी, क्योंकि ब्लास्ट वाली जगह के करीब होने के कारण न्यूक्लियर ब्लास्ट से निकलने वाली एनर्जी इतनी तेजी से इंसान को मार देगी, इतनी तेजी से हमारा दिमाग दर्द को महसूस भी नहीं कर सकता। नंबर 3, छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति ने खुद पुलिस स्टेशन में जाकर यह कबूल किया कि उसने 17 साल पहले एक व्यक्ति को मारकर उसे जमीन में गाड़ दिया था, क्योंकि व्यक्ति ने बताया कि जिस इंसान को उसने मारा था उसकी आत्मा उसे सपनों में आकर धमकी दे रही है और उसे अपना गुनाह कबूल करने के लिए कह रही है। नंबर 4, मेक्सिको में एक ऐसी जगह जिसे जोन ऑफ साइलेंस कहा जाता है क्योंकि वहां ना कोई घड़ी काम करती है, ना कोई रेडियो काम करता है और ना ही कोई कंपास सही से काम करती है। ऐसा क्यों होता है किसी को नहीं पता और उस जगह को एलियन से भी जोड़ा जाता है। नंबर 5, 2020 में कैलिफोर्निया की एक शराब की फैक्ट्री में खराबी की वजह से एक विशाल टैंक लीक कर गया और टैंक में भरी 97,000 गैलन वाइन बहने लगी और देखते ही देखते वाइन ऐसे बह रही थी मानो नदी में पानी बह रहा हो। नंबर 6, धरती पर ऑक्सीजन पैदा करने का श्रेय सभी लोग पेड़ पौधों को देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि धरती पर 50% से अधिक ऑक्सीजन महासागरों में रहने वाले प्लैंकटन से आती है। नंबर 7, दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती का नाम द हाउ टी है। इसके 1 किलोग्राम चाय पत्ती की कीमत करीब 8.28 करोड़ रुपए है, जिसका उत्पादन केवल चीन में ही होता है। नंबर 8, पैदल चलने के फायदे। एक हफ्ते में अगर आप 75 मिनट पैदल चलते हैं तो आप जीवन के 2 साल बढ़ा सकते हैं। एक हफ्ते में अगर आप 120 मिनट चलते हैं तो आपकी मेमोरी 3 गुना बढ़ जाती है। एक दिन में अगर आप 30 मिनट पैदल चलते हैं तो आप डिप्रेशन को 36% तक कम कर सकते हैं। प्रतिदिन अगर आप 30 मिनट पैदल चलते हैं तो आप मोटापे के खतरे को आधा कर सकते हैं। और ये थे आज के मेरे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।